नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूँ कुछ खास। लखनऊ के जिला अस्पताल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रकाट में संयुक्त मोर्चा द्वारा सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरकार पर दोहरा मापदंड रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पेश है उदित राज न्यूज से कैमरामैन दानिश कुरैशी के साथ वरिष्ठ पत्रकार भरत भूषण की खास रिपोर्ट। देखते हैं नमस्कार, मैं भरत भूषण, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। जैसा कि आप सब जानते हैं, संयुक्त मोर्चा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जिसका था कि आप सरकार पर आरोप लगाया है कि वो दोहरा व्यवहार क्यों कर रही है। कोरोना काल में हमारे चिकित्सालय के कई साथी कोरोना से पीड़ित होते हुए मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के उपरांत आज हम लोग कार्यक्रम जो रखा है, अपने उन्नत आत्माओं के प्रति हम लोग अपनी श्रद्धांजलि काल के काल में समा गए हैं। कोरोना काल में उनके प्रति में हम लोग मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सब लोग थोड़ा दूरी दूरी साथियों बीच में ना कूदो, कर्मचारियों में बंटवारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोबारा करके राज करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्मचारियों में बंटवारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्मचारियों पे राज करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की जान चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। जो हिटलर की जान चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। चली लड़ाई है आगे के यहाँ काम कर रहा है, उस नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है कि कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती है तो उसको प्रोटेक्शन दो। भारत सरकार ने एक बीमा राशि घोषित की है 50 लाख रुपया। वो ये कहा है कि जो कोविड हॉस्पिटल में कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, वो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको बीमा राशि मिलेगी। लेकिन उसमें बंटवारा ये कर दिया कि केवल कोविड वार्ड में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको, यहाँ के आप देख रहे होंगे जो पोस्टमार्टम में काम कर रहा है, जो हमारे अस्पताल के वैक्सीनेशन में काम कर रहा है, जो हमारी इमरजेंसी में काम कर रहा है, वो सारे के सारे कर्मचारी हमारे जितने यहाँ खड़े हैं, ये सभी असुरक्षित हैं। अनआइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड दोनों पेशेंट को हम देखते हैं और सभी की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके का बंटवारा, चाहे वो प्रोत्साहन राशि में हो और चाहे उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवारी जनों को मिलना रही अनुग्रह राशि में हो, ये बंटवारा सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। सारे कर्मचारी उनके अपने हैं, सभी कर्मचारियों को आप 1 रुपया प्रोत्साहन दीजिए, लेकिन सबको दीजिए। अगर किसी की डेथ होती है तो उसके परिवार को सरकार द्वारा मुआवजा मिलना ही चाहिए। इसी मांग को लेकर के आज ये सांकेतिक आंदोलन किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर्मचारियों के प्रति हृदय है और वो इस मांग को लेकर के जो हमारी आज बात हो रही है इसे करवाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि 25% आप पे देने का एक बयान दिया था और उसके बाद जो शासनादेश जारी किया गया है उसमें कर्मचारियों को राहत दिया गया था। उसमें केवल उन कर्मचारियों को देने के लिए कहा गया है जो कोविड वार्ड में ड्यूटी करते हैं। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार ने यह कहा था कि अगर किसी कोविड के योद्धा की मौत होती है, मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाता है, तो उसके परिवारजनों को, उनके आश्रितों को 50 लाख रुपया बीमा राशि मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो आदेश जारी होता है और बीमा कंपनियों से जब हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं तो बीमा कंपनियां उसको कट डाउन करती हैं और वो कहती हैं कि आप एक प्रमाण पत्र दीजिए कि आप कोविड के अंदर ड्यूटी कर रहे थे, कोविड वार्ड में कर रहे थे। तो आज हमारी, हम अपनी बात को सांकेतिक तरीके से सरकार तक ये पहुंचाना चाह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके विपरीत शासनादेश निर्गत किए जा रहे हैं और पिछले साल जो अप्रैल में लोग डेथ हुई थी जिनकी, उनके परिवारजनों को अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका, उनका परिवार भुखमरी के रास्ते पर है। तो आज हमारी ये मांग थी और हम अपनी बात को सांकेतिक तरीके से ऊपर पहुँचाना चाहते थे शासन को। ये शासनादेश जो हो रहे हैं उसको आप देखिए, रोकिए, आपके
आपकी जो मंशा है सारे कर्मचारियों को, कर्मचारी को विभक्त मत करिए, आप 1 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, 5000 रुपया दीजिए, जो आप देना चाहोगे। लेकिन अगर आप प्रोत्साहित करते हैं तो सारे स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करिए। इवन हम तो ये कहते हैं कि हमारे साथ जो प्रशासन के लोगों ने भी कोविड में काम किया उनको भी आप प्रोत्साहित करिए, सभी को प्रोत्साहित करिए, नगर निगम के लोगों को प्रोत्साहित करिए। प्रोत्साहन तो अच्छे काम का प्रोत्साहन होता है। आज सरकार द्वारा जो 6 मई 2021 को शासन आदेश किया गया है कि कोरोना चिकित्सालय में काम करने वाले कर्मचारियों को 25% का प्रोत्साहन लाभ दिया जाएगा। हम उसका विरोध कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी चिकित्सालय कर्मी, चाहे वो कोविड हॉस्पिटल हो चाहे नॉन कोविड हॉस्पिटल हो, मैं सभी कर्मचारियों को कोरोना काल में अपना योगदान दिया है और हमारे कई अस्पतालों के कर्मचारी काम करते करते शहीद हो गए हैं, मृत्यु हो गए हैं कोरोना का बीमारी से, उनको भी 25% का लाभ दिया जाए, कोई भेदभाव सरकार द्वारा न किया जाए। मेरे ऊपर लिखा है सबका साथ सबका विकास के लिए भेदभाव क्यों, कैमरामैन दानिश कुरैशी के साथ मैं भारत भूषण कुलकर्णी लखनऊ। तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात, फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज, मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ, धन्यवाद।